Sonotec Audio. ये जो तेरा दिखती भी नहीं, पता ना कहाँ चली गई। ए बहू, कहाँ मर गई तू? के बात है, क्यों घेंट पाड़ रही है? गला बैठ जाएगा। हाय, ये देखी हो ही तो ऊपर चढ़ी बैठी है। ए वहाँ क्या कर रही थी तू? मैं तो यहाँ अपने बालक को खिला रही हूँ। पर तू बता, तू कहाँ जा रही थी? सुबह रहते लिकड़ी हुई, अब आके बढ़ी है। ए मैं गई थी अपने अगले पिछलों को रोने जाती का सत्संग में गई थी। हाँ, सत्संग ही देवेगा तुझे खाने को। ए सत्संग क्यों देता? तू देवेगी? ले तावली से रोटी घाल कर लिया, बढ़िया सब्जी बना रखी हो तो। मने ना बनाया कुछ भी, एक ही काम होएगा, या बालक को रखवा ले या खाना बनवा ले। हे भगवान, ये आजकल की बहू पता ना लोंडा जने जने के हनुमान। ये बालक तो हमने भी जने थे, हमने घर का काम भी करा और बालक भी खिलाए थे। रहन दे मिट्टी ठगनी, तू सब पता है मुझे तेरा। ए के पता है तुझे मेरा? के पता है तू पाल के गई थी मेरे लोंडो के? तेरा बाप गया था। चुप हो जा, घनी मत बोले, एकदम माँ बाप बोले मत ना पहुँच जाएगा। बता दिए बात तुझे? हाय राम, ए तू तो हमने बेकार साजे में रखी, इससे तो हम न्यारे ही चौखे थे। हैं, तू तो सिर पे चढ़ बैठी। जबी तो चल रही है चौधर, मैं भला रहू थी तेरी साजी? पता ना चले किसकी शर्म ते रहेगी। यू शर्म तो टूटेगी बहू, मुझे ऐसा लगा हमारी थारी ताल लगे ना। यू बीस दिन नहीं बोया, बुड्ढे बंदर कहीं के। अरे मुझे के पता था अगे हमारा ऐसी डाल खून पीवेंगे। तू मुझे कहने लग रहा, इस बुढ़िया को भी थोड़ा बहुत समझाए कर। तू तो मेरी पहले बहुत मेर लिए करे था। अरे देखियो देखियो, अरे यू तो मेरी पहले बहुत मेर लिए करे था। लगी, लगी मगर मत क्या आंसू दिखा रहे, यू ही करता वावे इस पे दिखा लगी चिलत्तर। रे के बिच्छू ना काट लिया तेरे। अरे बेशरम, यहाँ के देख के कले सो रहा तेरे घर में। यू सांडनी छोड़ दी मेरे पर, ना तो बालक को खिला दी, ना एक काम करती आके जूता बजा दिया मेरे सिर में। देखियो देखियो कितनी झूठ बोल रही है। भाई बात सुन ले मेरी। हाँ। इन्हें सवेरी तक एक काम नहीं करा और बालक को लेकर ऊपर बैठी है। देखे रही माँ बात सुन ले, काम तो एक ही होगा घर में, या बालक को खिलवा ले इस पे या हिल्ला करवा ले। हाय, अरे तू भी इसकी ओर लेने लग गया। इसकी ओर लेने लगा? अरे हद हो गया यार, हम तो साथ रहेगा अच्छे पछता है। अरे तू क्या पछताता, दुख तो हमें हो गया। घर का हिल्ला यू करती रही, टुकड़ा टेरा नहीं करती, न्यू बता हम बुढ़े बुढ़िया कहाँ जाकर मर जा, अच्छे खून पिए भाई। अरे तुम कोई सा ना मरो, मरना तो मुझे ही पड़ेगा। तुझे कैसे मरना पड़ेगा भाई? अरे मरना यूँ पड़ेगा जब यू बहू ना किसी की शर्म करती ना लिहाज करती। अरे तुम्हें लग रही है अंगाई? अरे अंगाई हमें ना लग रही, अंगाई तो तुम्हें लग रही। हमें कैसे लग रही है अंगाई? अरे तू हट के बोल रहा है मेरे से? कैसे ना बोलूं हट के? मका तू चला जा मेरे आंखों आगे से। क्यों चला जाऊं? मेरा इस घर में कुछ हिस्सा ना? नहीं, कोई साझा नहीं तेरा इस घर में। मका चला जा मेरी आंखों आगे से तू। अच्छा मैं यूँ कहूँ, सुना है कि सुनता ना के तुझे? हाँ के बात है? के बात है, अभी तेरी आँख ना खुली? कैसे, कितना कलेश हो लिया, अब भी नहीं कह रहा के बात है? अरे तू भी तीसरे दिन लत्ते ठाव रखे, पता ना क्या हो रहा तेरे। अरे बुढ़े बुढ़िया कुछ एक आधी बात कह भी दे करे, पर तेरे तो मारी सी बर्दाश्त ना। ठीक है, तेरी माँ तेरे बापू की एक सलाह होली है। हाँ हाँ, अरे सुनिए रहा इसकी, क्या सलाह होली मारी? सलाह सलाह तो हो ही रही है, मेरे आदमी पे सारा काम करवा के हालत बना दी इसकी। हमें जरूरत के, हमारे एक बालक, हम दो मर्दवीर, हमें क्या चिंता है? मैं न रहूं साजे में एक मिनट भी, इस कान सुनो या उस कान सुनो। बका बाबू बात सुन ले मेरी, निके न्यारी होए पाछे ऐसी रोवेगी जैसे कोल्लू उठे पीछे कुत्ते रोवे। देख ले अब तेरे बापू का बोलना, ऐसे बोल रहा है जैसे मैं इसकी छोटी साली लगती हूँ। मुँह देख कैसे आँखों को पाड़ रहा। देखे बाबू, ऐसी उल्टी सीधी कुछ ना कही है, बुढ़े का पलम लगाने की जरूरत नहीं है। दिखे घनी मत बोले, आ जानते मेरे बापू को, ना तेरी घगरी में बिना तिल्ली का धुआं उठाया। ए सांडनी बापू को बुलावेगी, थाना चढ़वावेगी यहाँ। हाँ अभी भेजूंगी किसी आदमी को गांव ते। रे गोल्लू मका सुन ले। रे के गोल्लू गोल्लू करो जा तू, जब तक स्कूल में नाम लिखवाई दिया धर्मपाल। अच्छा अब तू धर्मपाल हो गया? और के गोल्लू गोल्लू अच्छा लगा तेरे मुँह? अरे और के तुझे फूफा कहूँ? फूफा क्या हूँ, कुछ काम की बात ही ना करता है। तुम चुप रहो जी, इन दोनों को चढ़ रही है बेछड़ी, इन्हें ना हमारा बोल सुहाता। रहन दे श्री देवी, इसे सारे दिन सिखाती रहे तू मेरे ससुर को। मैं क्या सिखाती रहूं? तेरी तरी हो जैसा तू सिखाती रहे सारे दिन मेरे छोरे को। मका हमें तो मिलो भी छह छह महीने हो जा, भले आदमी हो ये बिचारी भला कद में सिखा जा मुझे। अरे तू चलती क्यों ना, क्यों मुंह लग रही है इनके? अरे यू भी हमारा ससुरा पूरा बहू का गुलाम है। रहन दे धर्मेंद्र,
देख ले बहू कैसा बोल रही, और यू चुपचाप देख रहा। और क्या करूं? रे लेकर डंडा बजा क्यों ना देता, और इसका सारा आलकस झाड़ दे। न्यू किसी के सिखाए मां का अपना घर का नाश ना करता मैं। दिखे एक बात सुन ले मेरी। हाँ। या तो इस लड़ाई का कुछ रहा कर दे, ना तो कुएं में डूब के मर जाऊंगी, तो मैं सारे कुंबे को फंदवा दूंगी। मुझे न्यू लग रहा है यू बुढ़ा बुढ़िया है ना, हमारे घर का नाश करेंगे, घर बिगड़वाओगे हमारा ये। अरे डेढ़ हम तेरा घर बिगड़वावे, तू पाल पोस का बड़ा कर दिया, तेरा ब्याह कर दिया, आज तू बवाला होगा, देख ले बुढ़िया कहने लग रही है। अरे इन्हें बोलने दे जो बोलने, तू बता तू क्या चाहे। मैं क्या चाहूँ, मैं जो कहूंगी वो कर देगा, जब कुछ बतावेगी जब ही तो सुन ले। न्यारा हो जाओ पिया, न्यारा हो जाओ, न्यारा हो जाओ पिया, न्यारा हो जाओ। मगा मैं न्यू कहूँ तेरे कहे थे मैं न्यारा तो हो गया फिर, और घरों तो फुट्टी कोटी भी ना, के करूँ? अब बापू ने तो न्यू कह दी 5 बीघे खेती है, बोले और खा ले, अब बताओ उसमें के बोलूँ, बोने के लिए बीज के लिए पैसे नहीं घर में, अब कहीं नौकरी करूँ मजदूरी करूँ तो लोग न्यू कहेंगे इतने बड़े जमींदार का बेटा मजदूरी कर रहा, कितनी बेइज्जती होगी। तेरा पहले ही मुँह फुकू थी, मका कुछ कोर्चा करके बैंक में जमा कर ले, पर तन्ने कहा मानी जब तो माँ बाप का वफादार बेटा बना रहा। अरे मुझे क्या पता था ऐसे दिन देखने पड़ जाएंगे। अब एक काम कर के? अपने ताऊ सरजीत के धोरे चला जा, कुछ पैसे उधार मिल जाएंगे। अच्छा हाँ ले तो ले जाऊं।